टाइम्स डेली HD न्यूज। हाल ही में नगर निगम चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा महापौर के साथ ही पार्षद पद के प्रत्याशियों की घोषणा की गई, किंतु कई स्थानों पर अनेक प्रत्याशियों को लेकर पार्टियों में विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। कई जगह पार्टी ने लोकप्रिय एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए अन्य लोगों को टिकट दिए हैं। इसके विरोध में कई प्रमुख दावेदारों ने पार्टी छोड़कर विद्रोह का दामन थाम लिया। ऐसा एक मामला इंदौर के वार्ड क्रमांक 46 में सामने आया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबल दावेदार रेखा रमन कैरो का पार्षद का टिकट काटते हुए अन्य प्रत्याशी को दे दिया गया। कैरो का टिकट कटने से हम कार्यकर्ताओं के साथ जनता में भी काफी आक्रोश है। जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रेखा रमन कैरो द्वारा निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ने का फैसला लेते हुए चुनाव लड़ा जा रहा है। कैरो को जनता का काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। रेखा रमन कैरो का चुनाव चिन्ह गाजर है, लिहाजा इस हिसाब से क्षेत्र में इस माहौल चल रहा है कि इस बार नगर निगम चुनाव में वार्ड 46 में गाजर का हलवा बनेगा। रविवार को रेखा रमन कैरो के समर्थन में वार्ड में महिलाओं ने पैदल रैली निकाली। इस दौरान रेखा रमन कैरो ने सभी मतदाताओं से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आपको बता दें कि वार्ड 46 में इस बार भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। वार्ड में कांग्रेस की स्थिति अभी भी नगण्य है। पूर्व में यहां से भाजपा के प्रेम जारवाल पार्षद थे, टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने भी बगावत का स्वर बुलंद कर दिया है। उनकी पत्नी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। ये जो वोटिंग हुई है इस बार सही नहीं हुई है, इसलिए हमको चुनाव निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है। और भाजपा की तरफ से हमको है ना नाराजगी बहुत उठी है इस बार, इसलिए हमको चुनाव निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है। और निर्दलीय खड़े हुए हम तो सभी का सहयोग मिल रहा है और सभी जनसंपर्क में सभी सहयोग कर रहे हैं और माता बहनों का सभी का आशीर्वाद है मेरे सर पे। और वार्ड क्रमांक 46 से मैं चुनाव लड़ रही हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है गाजर और 8 नंबर बटन है। और सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के माता बहनों से भाभियों से सभी से निवेदन है कि 8 नंबर बटन दबाएं और सभी को मेरे को भारी से भारी मात्रा में विजय बनाएं। यहाँ पर जो है विकास कार्यों की सरकार रही है, क्या किस तरह से आप जीतने के बाद में विकास कार्य करेंगे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मैं जब चुनाव जीत जाऊंगी तो मैं किसी को नाराज नहीं करूंगी और सबको खुश होकर बिल्कुल वार्डों में काम करूंगी, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और सभी वार्डों में मैंने घूम के प्रचार किया है और सभी की समस्या देखी है, वो सब पूरी खत्म करूंगी समस्याओं को।